नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। आइए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र सरकार को 5,000 और 10,000 रुपए के नोट जारी करने का सुझाव दिया था। बता दें, राजन ने बढ़ती महंगाई के चलते 10,000 रुपए के नोट की कीमत कम होने के चलते यह सुझाव दिया था। इस बात का खुलासा आरबीआई की ओर से लोक लेखा समिति को दी गई जानकारी से हुआ है। रेलवे प्रधानमंत्री मोदी के कैशलेस मंत्र को अपनाते हुए पैसेंजर्स को स्वाइप मशीन के जरिए टिकट बुक कराने की सुविधा देगा। रेलवे ने 10,000 पॉइंट ऑफ सेल यानी स्वाइप मशीनें लगाने का फैसला किया है। बता दें, ये मशीनें पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और यूटीएस काउंटर पर लगाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने जो पहला काम किया है वो है H-1B वीजा। बता दें, अमेरिका के दो सांसदों ने H-1B वीजा से जुड़ा एक बिल सीनेट में पेश किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। झारखंड सरकार ने आमिर खान की फिल्म दंगल को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद इसकी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधायकों के साथ दंगल फिल्म भी देखी। अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल पर नौकरी देने के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। लेबर डिपार्टमेंट ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि कंपनी गोरों की जगह एशियन इंडियन को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। नोटबंदी के बाद बैंकों में आए हैवी डिपॉजिट पर मोदी सरकार की नजर है। बता दें, बैंकों में जमा 15 लाख करोड़ के डिपॉजिट का फायदा सरकार बजट के जरिए उठाने की तैयारी में है। वहीं सरकार इससे सोशल स्कीम के साथ साथ छोटे कारोबारियों को ज्यादा कर्ज देने का रोडमैप बजट में पेश करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही कहा है अब अमेरिका में एक नया विजन शुरू होगा और वो है अमेरिका फर्स्ट। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता के बर्बादी के दिन अब खत्म होंगे, अब जनता सरकार को कंट्रोल करेगी। एप्पल ने चिप बनाने वाली मशहूर कंपनी क्वालकॉम के खिलाफ $1 अरब का मुकदमा किया है। बता दें, मार्केट में अपना एक अधिकार बनाए रखने के लिए अमेरिकी सरकार की ओर से कंपनी पर एंटी कॉम्पिटिटिव गतिविधियों का आरोप लगाने के बाद एप्पल की ओर से यह कदम उठाया गया है। विजय माल्या की कारों के कलेक्शन में कई गाड़ियों को बेचा गया है। बता दें, माल्या की विंटेज और क्लासिक कारों को नीलामी के लिए रखा गया था। वहीं माल्या की जिन कारों को नीलामी के लिए रखा गया था उसमें पोर्श बॉक्सटर कन्वर्टिबल से लेकर रोल्स रॉयस 204 फैंटम तक शामिल है। जापानी कार कंपनी निसान ने सनी सेडान का अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है। बता दें, इसकी शुरुआती कीमत 7,91,000 रुपये है। वहीं दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 10,89,000 रुपए है। मेरे साथ वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहे वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।